हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 40। यू कैन सी इन योर बुक, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, एक दो साल के अंतर पे पूछे गए हैं बोर्ड में, और हमेशा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अभी देखिए, ये 2018 में ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इस बेसिस पे क्वेश्चन, यही नहीं, इस बेसिस पे तो आशा, रैना, रीना एंड चाहत, वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट है जिसमें जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले से 20,000 है, ठीक। बाकी प्लांट एंड मशीनरी, बैंक अकाउंट है, कैपिटल है। इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है कि आशा, रीना एंड चाहत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका गेन और सेक्रीफाइस करने का है। तो यहां पे ऑलरेडी आप ओल्ड रेशियो जो दोनों तीनों का दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1, ठीक है, 2:2:1 दिया है। न्यू रेशियो 1:1:1, चूंकि इक्वली है यहां पे, तो अब यहां पे गेन और सेक्रीफाइस की बात करेंगे। तो आशा 2/5 - 1/3, यह ऑलरेडी 1/15 ये सेक्रीफाइस करेगी। ऐसे ही रीना का देखेंगे, ये भी 2/5 है, 1/3 करेंगे, ये भी 1/15 क्या करेगी, सेक्रीफाइस करेगी। और चाहत की बात करेंगे तो चाहत भी आपकी 1/5 - 1/3 करेंगे, 1/3, तो ये आपका 2/15 - 2/15 आएगा। और ये क्या करेगा, चाहत गेन करेगी, ठीक। अब इस जब चाहत गेन करेगी यानी कि इसकी एंट्री जो होगी वो चाहत कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू रीना कैपिटल अकाउंट, लेकिन 2/15, तो अब चाहत गेन इक्वल टू, अब इसी जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 1,50,000, इसी में आप निकालेंगे 1,50,000, और चाहत कितना गेन कर रही है, 2/15 × 2/15, 15 × 1 = 15, 10,000 × 2 = 20,000, 20,000 चाहत गेन करेगी, और इसी 20,000 को आशा और रीना 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो कर रहा है कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेब्टर्स पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। अब देखिए, अब यहां से जब जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जनरल एंट्री जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की आप एंट्री करेंगे, उसके बाद ही आप रिवेल्यूशन की एंट्री करते हैं। यह हमेशा अपने दिमाग में बैठाइए, ये एंट्री का सीक्वेंस है पार्टनरशिप के। इसमें एंट्री पहले आप
सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट टू चाहत कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का बैलेंस 2 लाख है, 2 लाख को आपको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2 by 5 करेंगे, 5 × 4 = 20, 40,000 × 42 = 80,000, 80,000 and 40,000। नेक्स्ट एंट्री, आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे पार्टनर्स में, और नेक्स्ट एंट्री आपके यहां पे देखिए ऑलरेडी प्रोविजन, पहले से आपका प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन पहले से दिया हुआ है 20,000 का, क्लियर। पहले से प्रोविजन कितना दिया है 20,000 है। डेप्टर्स कितना है, डेप्टर्स देखिए मैं लिख ले रहा हूं 2,60,000 का डेप्टर्स है, ठीक। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बैड डेप्ट अमाउंटेड 240,000। अब यहां पे 20,000 का प्रोविजन पहले से था और 40,000 बैड डेप्ट हो गए, ठीक। उस केस में इस 20,000 से आप 40,000 के बैड डेट्स को रिकवर करेंगे, तो सिर्फ 20,000 ही बैड डेट्स रिकवर हो पाएगा, क्योंकि जितना प्रोविजन रहता है उतना ही बैड डेट्स रिकवर हो पाता है, बाकी का 20,000 आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि यहां पर आप दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 20,000 आपने दिखा दिया। देखिए यहां पे बैड डेट्स यहां पे 40,000 है, 40,000 में से 20,000 का 20,000 का बैड डेट्स 20,000 के प्रोविजन से खत्म हो गया, बाकी का 20,000 ही आपने यहां पे दिखाया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, चूंकि ये सीबीएसई में पूछा गया है 2020 में, तो आप देखिए इसको मैंने कैसे किया है कि 40,000 का आपका बैड डेट्स था, बैड डेट्स ठीक, बैड डेट्स 40,000 का लेस प्रोविजन, और कौन सा प्रोविजन करेंगे, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन इसमें से लेस करेंगे, ये फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट मैंने बताया था, 20,000 प्रोविजन लेस करेंगे, रिमेन बैड डेट्स कितना बच गया आपका 20,000, ये लॉस है और इसलिए इसको रिवेल्यूशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो चीज है, अब कह रहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स। तो पहले कितना डेप्टर्स था 2,60,000, अब इसमें से 40,000 ऑफ बैड डेप्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अब ये कितना हो गया 2,20,000 का हो गया, अब इसी पर आप 5% क्या करेंगे निकालेंगे, तो 5% जब निकालेंगे तो 0, 5 × 10, 5 × 10, 11,000 आपका प्रोविजन आया, इसको भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 11,000। ठीक,
ये आपने एंट्री कर दिया। अब देखिए इसमें कि वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब यहाँ पे देखिए रिवेलेशन अकाउंट डेबिट, रिवेलेशन अकाउंट डेबिट 20,000, 11,000, 31,000 है, यानी कि 31,000 रिवेलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब 31,000 का लॉस हो रहा है। और उसको रिवेलेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेलेशन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवेलेशन अकाउंट का लॉस कितना है 31,000 का, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में तो 2 by 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 6,200, यानी कि 12,400, 6,200। ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपका ये आपका गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, जो कि आपका यहां पे कितना है 20,000 गेन करना है चाहत, तो इसकी एंट्री करेंगे गुडविल के एडजस्टमेंट की। यहां पे चाहत गेन कर रही है, लिखेंगे चाहत कैपिटल, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसास, आसास कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट। तो चाहत ऑलरेडी कितना 20,000 गेन कर रही है, तो इसी 20,000 गेन को ये आशा और रीना 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो 20,000, अगर 20,000 को आशा और रीना इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 10,000 और 10,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी। इस तरह से क्वेश्चन देखिए, आपके ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ऑलरेडी 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पकड़ बनाइए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।